हमारे पास कोई भी मटेरियल होता है तो उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे एन की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और उससे फिर हम प्रिज्म बनाते हैं। प्रिज्म बनाते समय क्या ध्यान रखते हैं कि उसका एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, कितनी उसकी वैल्यू रखनी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मान लो हम एक ऐसा प्रिज्म बनाना चाहते हैं जिसमें हम यहाँ से किसी भी एंगल से रे को इंसिडेंट करें, किसी भी एंगल से, यहाँ पर जाकर के हमेशा TIR हो जाए। तो उसके लिए प्रिज्म बनाते समय हमें सोचना पड़ेगा कि उसके A की वैल्यू कितनी रखी जाए, और वही हम सॉल्व करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द कंडीशन कि यहाँ पर हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो A की वैल्यू हम पता करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हम उसके लिमिटिंग केस की बात करेंगे। लिमिटिंग केस क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं नॉर्मल बनाऊँ तो एक काम करते ना, रे बना ही लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमारी रे निकल रही होगी, यहाँ पर ये नॉर्मल होगा और ये वैल्यू हमारे R1 की वैल्यू होगी, साथ में यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कुछ इंसिडेंस हो रहा होगा। ओके, अगर हमारे को TIR चाहिए तो हम लिख देंगे R1 की वैल्यू होनी चाहिए मोर देन θc। थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा होते ही हमारे पास हमेशा R1 की यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं अलग अलग यहाँ पर इंसिडेंस करूँगा तो R1 की वैल्यूज बदलेंगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। तो अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि R1 की जब मिनिमम वैल्यू होती है उस वक्त भी वो θc से ज़्यादा है तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि ये R1 नहीं होगा यार, ये R2 होगा, R2 की मिनिमम वैल्यू शुड बी मोर देन θc। R2 की हमारे पास एक कंडीशन होती है, एक और कंडीशन क्या होती है, R1 प्लस R2 इज ऑलवेज इक्वल टू A। जिस वक्त R2 की वैल्यू मिनिमम है उस वक्त R1 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है। तो इसको भी हम लिख देते हैं, व्हेन R2 इज मिनिमम R1 इज मैक्स। अच्छा, R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ये हमारे पास R1 है, R1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जिस वक्त हमारे पास यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा उस वक्त R1 मैक्सिमम होगा, और R1 इज मैक्सिमम लिख दो, R1 इज मैक्सिमम व्हेन मैक्सिमम एट ग्रेजिंग इंसिडेंस, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जिस वक्त ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है उस वक्त हमारे R1 की वैल्यू हो जाएगी θc। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू आ जाती है, R2 इज इक्वल टू, R2 की मिनिमम वैल्यू होगी ना, R2 की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू A माइनस θc। और R2 की मिनिमम वैल्यू को हमने अभी देखा था कि R2 की मिनिमम वैल्यू को अगर हम θc से बड़ा कर दें तो हमें हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलता है, यानी कि A शुड बी मोर देन ट्वाइस ऑफ θc। ये हमारे पास कंडीशन आ गई जब हमारे पास हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास कुछ मटेरियल था जिसका n की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता था, हमसे बोला गया इसका ऐसा प्रिज्म बना दो जिसमें हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है सेकंड सरफेस पे। अब प्रिज्म बनाते समय हम एक ही चीज़ तो डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, तो हमने एक ही एक ऐसी कंडीशन निकाल ली कि अगर वो ट्वाइस ऑफ θc से बड़ा है तो हमेशा हमेशा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इस बार हमें कंडीशन निकालनी है कि व्हाट इज द कंडीशन कि कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं हो। तो इस बार हम फिर से अगेन कंसिडर करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लिमिटिंग केस है जिसमें ऑलमोस्ट ग्रेजिंग इंसिडेंस पर हमारी लाइट निकलती है मैक्सिमम जब R2 की वैल्यू हो जाती है। ये हमारा R2 है और यहाँ पर ये हमारा R1 है। हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि TIR ना हो, हमारी कंडीशन होनी चाहिए R2 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए θc से, ऐसा हो जाएगा तो TIR नहीं होगा। अब अलग अलग इंसिडेंस पे हमारे R1 की वैल्यू अलग अलग बदलेगी, R2 की वैल्यू अलग अलग बदलेगी। तो अगर मैं बोल दूँ कि R2 की मैक्सिमम वैल्यू भी θc से छोटी है तो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होगा।
हमारे पास और एक इक्वेशन है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। जिस वक्त R2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त R1 की मिनिमम वैल्यू होगी, तो ये भी लिख देंगे व्हेन R2 इज मैक्स R1 इज मिनिमम। कोई मुझे बता सकता है R1 की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? R1 क्या है? यहाँ वाला रिफ्रैक्शन के बाद का एंगल। तो R1 की मिनिमम वैल्यू तब हो जाएगी, मान लो जब हमारा नॉर्मल इंसिडेंस होता है, उस वक्त इंसिडेंस की वैल्यू भी जीरो होती है, R1 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो R1 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। तो R1 मिनिमम इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हमें मिल जाता है R2 मैक्स इज इक्वल टू ए। तो इस कंडीशन को आप यहाँ पे रख दोगे, है ना, तो इससे हमें मिल जाता है ए शुड बी लेस देन थीटा सी। अब और एक देखो, और एक लेवल इसको अप करते हैं, है ना। अभी तक हमने क्या समझा कि हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई आया कि भाई प्रिज्म बना दो हमारे लिए, और हमारे पास इस तरीके से ए की वैल्यू हम कितनी बड़ी कर सकते थे, जीरो भी रख सकते थे, टू भी रख सकते थे, 555 और 190, जितने डिग्री आपको रखना है उतनी आप ए की वैल्यू रख सकते थे। तो हमें कुछ चीज़ें पता चली कि अगर हम उस मटेरियल के थीटा सी तक वैल्यूज़ रखते हैं इस जोन में, तो कभी भी TIR नहीं होता है। अगर हम A की वैल्यू इस थीटा C से ज़्यादा रख देते हैं इस तरह, तो ऑलवेज TIR होता है। लेकिन हमारे पास बीच में कुछ इस तरीके का जोन आ जाता है जहाँ पर मे और मे नॉट हैपन। तो इस बार वो कंडीशन क्या हो जाती है हमारे पास कि थीटा सी और टू थीटा सी के बीच में हमारा ए होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मान लो ऐसी आ गई। अब क्या होगा, कभी हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस होगा, कभी हमारे पास ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, उसके बीच में बहुत सारे इंसिडेंस हो सकते हैं इस तरीके से। उनमें से कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस ऐसा होगा जिसके बाद इस तरफ हमारे पास TIR होना शुरू हो जाता है। तो वही हमें पता करना है, उस आई नॉट की वैल्यू क्या है। तो उसको पता कैसे करें, फिर से अगेन हम लिमिटिंग केस लेंगे कि भाई यहाँ से जो रे निकलने वाली है वो ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है उसका यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर R2 की वैल्यू R2 की वैल्यू हो जाती है R2 इज इक्वल टू थीटा सी। अच्छा, यहाँ से मैं इसको इस तरफ देखूँ, यहाँ पर फिर से मैं इस तरीके से नॉर्मल बना दूँ, ये आ जाता है मेरा R1। हमारे पास इक्वेशन क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। R2 की वैल्यू थीटा सी है, यानी R1 की वैल्यू कितनी हो गई, ए माइनस थीटा सी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर अब स्नेल्स लॉ लगा देना हमारे को, हमारे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल वो वाला इंसिडेंस होगा जिसको हम बोल देते हैं I नॉट होगा यहाँ पर, हम लिख देंगे 1 आई नॉट होगा, और हम यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू साइन आई नॉट इज इक्वल टू एन इंटू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी। तो यही हमारे पास कंडीशन आती है, 1 को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। ये वो कंडीशन है जिससे हमें आई नॉट पता चलता है, जब हमारे पास उस आई नॉट से अगर हम क्या करेंगे, देखो इस आई नॉट से अगर मैं इधर करूँगा तो हमारी रे और ऐसे जाएगी और ये फिर TIR होने लग जाएगा। तो if I is less than I naught, तो इसका मतलब हमारे पास TIR हो रहा है। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पे, जहाँ मेरी सभी लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं। उनको एक्सेस करने के लिए आप आ सकते हो bit.ly/bombphysics। फिजिक्स में फोड़ देंगे। कहाँ होती है लाइव क्लासेस? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे IIT, JEE, NEET, CBSE, फाउंडेशन, कोई भी आपका गोल हो। आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और बैचेस हर महीने लॉन्च होते हैं, और टॉप फैकल्टी से आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और अपना फ्री प्लान पहले अनलॉक करो, मेरा कोड विक्रांत यूज करके, और फिर अपना प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से जो आपको पसंद हो वो लो, ताकि आपकी रैंक इंप्रूव हो सके। तो मिलते हैं लाइव अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे bit.ly/bombphysics।